Hello students, today we will read the story A King's Blunder, जिसका अर्थ है राजा की भूल। राजकुमार दशरथ के पिता का नाम अजा था और वे कौशल देश के राजा थे। प्रिंस दशरथ was the son of अजा, the king of कौशल। कौशल देश की राजधानी अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थापित थी। The capital of कौशल was Ayodhya, which lay on the banks of the river Saryu. राजा अजा ने अपने पुत्र को योद्धा बनाने के लिए सभी कलाओं में निपुण बनाया था। King अजा trained his son in all the arts necessary for a warrior. The prince excelled in all the arts. एक बार जंगल में रात होने पर शिकार करने आए राजकुमार दूर तक नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने अपना तीर से निशाना साधकर झाड़ियों में हो रही हलचल की ओर छोड़ दिया। Once in the jungle, as the night fell, the prince was unable to see beyond a few yards. He aimed the arrow at its prey. उन्हें एक चीख सुनी, पर वह चीख किसी जानवर की नहीं बल्कि एक मनुष्य की थी जो अत्यंत पीड़ा में था। राजकुमार वह चीख सुनकर घबरा गए। He heard a cry but not a beast. It was the cry of a human being in agony. Agony का अर्थ है पीड़ा। राजकुमार दशरथ ने एक जवान लड़के को जमीन पर घायल अवस्था में देखा। तीर उसकी छाती में लगा था। प्रिंस दशरथ saw a young boy lying on the ground and crying in pain, मतलब वो दर्द से कर्रा रहा था। The arrow was in his chest. चेस्ट का अर्थ है छाती। दशरथ श्रवण नाम के उस लड़के की तरफ गए और उससे माफ़ी देने का अनुरोध किया। दशरथ went to the young boy श्रवण and pleaded him. उन्होंने झुककर श्रवण का सर अपनी गोद में रख लिया। He knelt down and drew the boy's head on his lap. श्रवण ने कहा, राजकुमार मेरे माता पिता प्यासे हैं और मेरी राह देख रहे हैं। राजकुमार ने निराश होकर तीर उसकी छाती से निकाला और श्रवण के माता पिता की ओर पानी लेकर चले गए। द प्रिंस सैडली रिमूव द एरो, एरो का अर्थ है तीर, एंड वेंट टू श्रवण्स पेरेंट्स विद वाटर। श्रवण के माता पिता ने श्रवण को देखने का आग्रह किया। राजकुमार उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर श्रवण के शव के पास ले आए। प्रिंस दशरथ कैरिड देम on his shoulders to the place where Shravan Kumar had died. Shravan के माता पिता ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपनी जान गंवा दी, पर उससे पहले दशरथ को श्राप दिया कि उनकी भी मृत्यु पुत्र से अलग होने की पीड़ा के कारण होगी। Shravan's mother and father took a dip in the Saryu river. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।